Hey everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's video, we are going to discuss about math strategy for 2024 boards class 12. क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस है उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं, तो मार्क कर लेना। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जहाँ पे एनसीईआरटी में ही मार्क करा रखा है, उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हमारे पास दो बुक्स हैं, वी हैव द फर्स्ट बुक एंड द सेकंड बुक। टोटल हमारे पास है 13 चैप्टर्स। तो फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड कौन से डिफिकल्ट हैं एंड कौन से इजी हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में तुम लोग को बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट बुक में है रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रल्स, देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी इसको कहते हैं, एंड वी हैव प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर्स हो गए एंड 6 हमारे हो गए फर्स्ट बुक में। सो टोटल हमें करने हैं 13 चैप्टर्स। इसमें भी बहुत पोर्शन डिलीटेड है तो वो मार्क सबसे पहले जाके कर लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं, तो कैलकुलस ना पूरा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलस ही कवर करता है। कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं तो देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एंड डिफरेंशियबिलिटी से, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से दो क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं। ये पूरा जो मार्किंग स्कीम वगैरह है वो भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगी। देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं जिससे जनरली कुछ क्वेश्चंस हमारे आ ही जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बट ऑनेस्टली उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो सबसे इजी चैप्टर्स है देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं बिकॉज इसमें एक ही एक्सरसाइज अब हमारे सिलेबस में है। उसके बाद मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लाइक ये आईसीएसई में ना क्लास 10th में है, सो यू कैन इमेजिन दैट इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। देन वी हैव डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ ही जाता है, एक तुम्हारा एमसीक्यू में आ जाएगा और 4 मार्क्स का हमारा लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें बस हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, वेरी वेरी सिंपल, यू कैन चेक द वन शॉट, वहां पे बहुत क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना है, चैप्टर की नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वन शॉट से भी आ जाती है एंड डिटेल लेक्चर से भी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें वन शॉट की, तो यहाँ पे ना हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर तुम वन शॉट्स चेक करो, मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं मैथ्स के लिए, तो वहां पे हर एक क्वेश्चन हमने नहीं प्रैक्टिस करा है। हमने सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, जो भी फॉर्मूलास रिक्वायर्ड होंगे वो पढ़े हैं एंड उसके बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। अब यहां पे अगर तुम वन शॉट्स देखोगे ना, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? बिकॉज तुम लोग को खुद ही आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो जो भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे वो तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मे बी वो क्वेश्चंस हमसे खुद से ना हो पाए, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में हमारे पास ऑफलाइन सॉल्यूशन ऐप्स आते हैं, उनका यूज कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ टीचर ने बता दिया है, तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो उससे काम नहीं चलता है। तो अगर वन शॉट्स फॉलो करोगे तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होगी, इसीलिए ये इसका थोड़ा एडवांटेज है। डिटेल लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे ना सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन तुम लोग को सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। बट अगेन मैंने बता दिया, चूज तो तुम दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, बट बेनिफिट वन शॉट में ये रहेगा कि खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैथ्स की जो एनसीईआरटी है, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक, क्या वो इनफ है या हमें कुछ और भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना एक बार जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है फॉर 2024 बोर्ड, उसको एक बार ना खुद से डेफिनेटली चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे हमारी 20 एमसीक्यूज हैं, जिसमें 2 assertion reason questions भी हैं एंड हमसे ना 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो क्या ये क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी में मिलेंगे? द आंसर इज नो, इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, उसके लिए एनसीईआरटी डेफिनेटली इनफ है, बट इस टाइप
टाइप के क्वेश्चंस के लिए नहीं है, तो उसके लिए तुम क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हो। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 PYQs डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के लिए। कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सी बुक प्रेफर करें, तो ओसवाल गुरुकुल की ये वाली बुक अभी लॉन्च हो रखी है। ये CBSE लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स है, इसमें ना हमें हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सारे सेट्स अवेलेबल हैं, डेली आउटसाइड डेली सारे पेपर्स हैं। जैसे ये वाला PCM का बंडल है, ठीक है, तो इसमें देखो इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर्स गिवन हैं। देन वी हैव फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास मैथ्स के सारे पेपर्स गिवन है। तो एक बुक अगर परचेस कर लोगे तो अलग अलग तुम्हें पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसी बुक में ना सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ये बुक तुम्हें हेल्प करेगी। इसकी बाय लिंक भी ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो यहाँ पे एक बार देख भी लो। आउटसाइड डेली, डेली 2023 के ये पेपर्स हैं, फिर 2022 के जितने हमारे पास पेपर्स हैं ना सब यहाँ पे गिवन हैं। थोड़ा सा अंदर पे देख लेते हैं कि सॉल्व है भी या नहीं। तो ये इंग्लिश का पेपर है एंड ये फिजिकल एजुकेशन का। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें जो भी पैसेज वगैरह है वो गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, एंड उसके बाद यहाँ पे आंसर्स भी इसके गिवन है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास MCQs हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर भी गिवन है। जिस भी क्वेश्चन में सोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज यहाँ पे गिवन है। सो दिस बुक विल Definitely help you. Link is in the description. ठीक है? अब देखो हमने ये तो discuss कर लिया कि question bank and previous year question papers. क्या उसके अलावा भी किसी चीज की requirement होगी? तो sample question papers जो कि already हमारे release हो चुके हैं, तो उनको भी definitely एक बार check कर लेना, idea मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारे questions पूछे जा रहे हैं। Then we have practice. ये कुछ ना अलग से मैं maths के लिए tips दे रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा तुम्हें help करेगी in the long run. Last में यही चीजें बच्चे भूल जाते हैं जिसकी वजह से full score नहीं कर पाते हैं, तो practice तो सबसे ज्यादा important है। चाहे किसी बच्चे को पास भी होना है ना, तो मैथ्स में प्रैक्टिस तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट यानी कि जो प्रीवियस इयर्स में ज्यादा बार आए हुए हैं, एंड जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट है, या एक बार हमने किया तो हमसे नहीं हो पाया, दो बार किया नहीं हो पाया, तो उनको ना मार्क कर लेना बुक में, ठीक है। चाहे NCERT हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, या सैंपल क्वेश्चन पेपर, मार्क डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर लेना एंड उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना। देन ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप मैं बता चुकी हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करना, ऑनलाइन सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद फॉर्मूलाज, जितने फॉर्मूलाज है सब लर्न करने हैं, बिकॉज कई बार अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पे फॉर्मूला भी हम मेंशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाफ या वन मार्क्स तो वहां पे मिल ही जाए, ठीक है। उसके बाद रिविजन करते रहना बीच बीच में, बिकॉज फिर हम स्टेप्स भूल जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भूल जाते हैं, इसीलिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा देखो सिली मिस्टेक्स ना बिल्कुल अवॉइड करनी है। मेरे 99 मार्क्स आए थे प्री बोर्ड्स में, लाइक हमारे एक प्री बोर्ड्स होते थे, एक हाफ एली, तो मेरे दोनों में 99 आए थे। आई एक्चुअली वाज एमिंग फॉर 100, बट वो एक मार्क्स हमेशा मेरी सिली मिस्टेक की वजह से कट जाता था, तो इसको डेफिनेटली अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद जितने स्टेप्स है उन्हें मेंशन करना है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें पूरा आता है, तो बीच के स्टेप्स ही गायब कर दिए एंड फाइनल आंसर आ गया। दो तुम्हारा आंसर आ चुका है एंड वो बिल्कुल सही है, बट तुम्हें मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अगर स्टेप्स ही नहीं मेंशन कर रहे हैं ना, तो फुल मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए हर एक स्टेप मेंशन करना है। ये मैं स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए बता रही हूं, अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें पता है बीच के क्या क्या स्टेप्स हैं, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली स्किप, ठीक है। उसके बाद जितने क्वेश्चंस है ना, उन्हें फाइनल आंसर जब तक नहीं आ जाता तब तक प्रैक्टिस करना है, एंड जो भी हमारे मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उनको क्रॉस चेक भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंसर्स तो आ जाते हैं, बट जो मेथड हम लगा रहे होते हैं ना, वो अनएक्सेप्टेबल होता है, गलत होता है, तो क्रॉस चेक भी करते रहना एंड फाइनल आंसर तक प्रैक्टिस करना। मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बट एग्जाम में जब हम करने बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आगे क्या करना था, इसीलिए जब तक पूरा आंसर नहीं आ जाता है तब तक उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की PDF चाहिए है, बी एड फॉर मैथ्स या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। कई बार लिंक वर्क नहीं करती है तो सिंपली स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, मेरा चैनल मिल जाएगा एंड वहां पे फाइल सेक्शन पे जाके सारी PDFs मिल जाएंगी, तो उनका यूज कर सकते हो। सो आई थिंक ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी समझ में आ गई होगी। स्टिल इन केस कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।